आप लोग सीमा हैदर को खोज रहे हैं यार। थक गया हूँ हम लोग देख देख कर यार। आप लोग उसको जीने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, यार क्या है आप लोग इंसान नहीं हैं। इंसानियत के नाम पर आप लोग क्या है, समझ में नहीं आता है यार। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहता है, परेशान करके रख दिए हैं आप लोग। उसको जीने दीजिए यार, प्रशासन अपना काम कर रही है, कर रहा है। आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं सीमा हैदर को। उसको जीने दीजिए थोड़ा चैन से, और प्रशासन की नज़र में है वो। आप लोग उसको ज़्यादा तंग करिएगा तो मर जाएगा, कुछ हो गया, उसका पापा परेशान है, पसीना ही निकल रहा है। आप लोग बार 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 उसको परेशान कर रहे हैं, थोड़ा भी सेंस नहीं है आप लोगों को। सिर्फ न्यूज़ बनाने के चक्कर में किसी को जान लेने पे तुले हुए हैं आप लोग। गलत है, बहुत गलत है आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और जो सरकार है इस पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, और जांच का विषय है, इस पे जांच पड़ताल होगा। और ये सब प्रशासन का काम है, कर रहा है। लेकिन आप लोग को इंटरव्यू का एक टाइम टेबल होता है। अभी हर दिन 50,000 40,000 आदमी आप लोग पहुंच रहे हैं उसको देखने के लिए, परेशान कर रहे हैं आप लोग। ना सोने का टाइम है उसको, ना खाने का टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू करवा रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। अगर वो सच्चाई पे है, अगर सच्चा है तो ठीक है, नहीं सच्चाई, अगर वो उसके अंदर कुछ चल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, योगी जी के राज में है तो आपको पता है योगी जी कैसे कार्रवाई करते हैं। तो आप लोग शांति से अपना इंटरव्यू लीजिए, और किसी को जीने दीजिए यार। उनको घर परिवार सबको तंग करके रख दिया है, उसके गांव समाज को भी तंग करके रख दिया है आप लोग। इतना कहीं परेशान करता है यार, हद हो गया यार। ज़मीनी हकीकत दिखाइए ना, क्या एक पीछे पड़े हुए हैं सीमा हैदर, सीमा हैदर। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग।